स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट अस स्टार्ट आर ईवीएस बुक क्लास फोर्थ लेसन फिफ्थ अनीता एंड हनी बी पार्ट सेकंड। इसका हमने पास फर्स्ट में रीड किया था अनीता एंड हनी बी के बारे में, अनीता कुशवाहा के बारे में। अनीता कुशवाहा कौन है? एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार क्या था? एक प्रोजेक्ट है जो किसके बारे में बताता है? साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी को बताता है, उसके बारे में। अनीता कुशवाहा जो है वो बिहार के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में अपने पेरेंट्स और दो पेरेंट्स के साथ रहती है, जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको, एक तो वो गरीब हैं और उनको ना ही लड़कियों का पढ़ना पसंद था, ठीक है। इस करके जो अनीता थी उसको अपना बचपन क्या है, भेड़ बकरी चढ़ाने में लगा। लेकिन उसको शुरू से ही अपनी स्टडी का बहुत शौक था, स्कूल जाने का बहुत शौक था। तो किसी तरह उसने अपने मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट किया कि वो उसको स्कूल भेजे। और उसकी स्कूल की एक टीचर ने कहा कि प्राइमरी क्लास तक की एजुकेशन सरकार फ्री देती है बच्चों को, आप पढ़ाइए। तो उसने स्कूल जाना शुरू किया। जब वो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो जैसे ही वो बड़ी क्लास में हुई तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि अब आप अपनी स्टडी छोड़ दो, वी कांट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ यूर स्टडी। फिर उसने क्या किया कि अपनी स्टडी को जारी रखने के लिए उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, और से जो पैसे आए उसने क्या किया, उससे अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने एक कोर्स ज्वाइन किया बी कीपिंग का। उनके यहाँ जहाँ वो रहती थी वहाँ लीची की खेती बहुत होती थी, जिसपे मधुमक्खियाँ यानी हनी बीज आती थी। तो वहाँ के लोग हनी बी का काम करते थे, उनको पालते थे और शहद इकट्ठा करते थे। तो उसने सरकार द्वारा इस दिए गए इस कोर्स को ज्वाइन किया और हनी बी को क्या कहते हैं, इकट्ठा पालने का काम करना सीखा। और फिर आगे उसने हनी बी की अपनी स्टडी पूरी की और उसने मधुमक्खियाँ पालना शुरू किया। अब हम आगे चलते हैं कि उसने आगे उसको इस काम के अंदर कितनी सक्सेस मिली और उसको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो लेट अस स्टार्ट। बिकमिंग अ बी कीपर। आई कंप्लीट माय बी कीपिंग कोर्स बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माय ओन बी एंड स्टार्ट वर्क। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद दैट टाइम कुड कलेक्ट 5,000। विद दिस मनी आई ब्रॉट two boxes and keep bees. Each boxes cost 2,000. अब वो बता रही है कि जैसे उसने फिर जब ये उसने अपना कोर्स पूरा कर लिया तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो क्या कर सके, हनी बी को पालने का काम शुरू कर सके। तो उसने क्या किया, अपनी जो साथ में ट्यूशंस पढ़ाती थी उसको उसने जारी रखा। उससे उसने 5,000 रुपये इकट्ठे कर लिए और उसने क्या किया, दो बॉक्स खरीदे, किसके लिए, बी कीपिंग के लिए। और एक बॉक्स की कीमत कितनी थी, 2,000। तो उसके कितने आ गए, दो बॉक्स आ गए, और जो 1,000 रुपीस बचे उससे उसने क्या किया, शुगर ली और कुछ मेडिसिंस ली। हनी बी को पालने के समय जो मेडिसिंस सही होती हैं वो ली, और शुगर सिर्फ लिया ताकि उनको अट्रैक्ट कर सके मगेर को। तो इस प्रकार उसने दो बॉक्सेस से अपना काम शुरू किया। अब वो नेक्स्ट वो बता रही है, दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, बाय दिसंबर आई हैड टू मैनी बीस दैट आई हैड टू बाय टू मोर बॉक्सेस। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग। मैनी टाइम्स द बी वूस्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वी गेट सोलन। अब वो कहती है कि सितंबर आ गई, सितंबर में उसने काम शुरू किया और दिसंबर आते आते उसके पास बहुत सारी बीस इकट्ठी हो गई। इतनी भी इकट्ठी होगी कि उसको अब दो बॉक्सेस और खरीदने पड़ गए। और उसके बावजूद कहती है कि जब उसको दो बॉक्सेस उसके ज़रूरत पड़ी, यानी कि उसने और बॉक्सेस ले लिए, और उसके बाद उसने क्या किया, कहती ये जो बीस थी इन्होंने कई बार मुझे काट भी लिया, कभी हैंड पे कभी फेस पे। तो करती भी जिससे मेरा मुंह हैंड मुझे बहुत पेन होती और मुझे मेरा मुंह सूज जाता, कहती लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी क्योंकि ये मेरी अपनी पसंद का काम था। इसके बावजूद भी मैंने अपनी बी कीपिंग जारी रखी। फिर वो आपको लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। कहते हैं अगर जहाँ आपके लोग, जहाँ पर मधुमक्खी काट जाती है आपके एरिया के लोग वहाँ पर क्या लगाते हैं। देखो अगर आपको मधुमक्खी काट जाए तो क्या लगाओगे, जैसे मम्मी कई बार कहती है नमक लगा लो है, या आप लोहा लगा लो, गर्म लोहा लगाते हो वो लगा लो। तो इस तरह आपने बताना है कि वहाँ लोग क्या, आपके लोग एरिया क्या,
तो आप लिखते साल्ट लगा सकते हो, चूना लगाया जाता है, तो अप्लाई साल्ट एंड चूना। आगे आपने ड्राव करनी है पिक्चर किसकी, अपनी हनी बी की, किसमें, अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फैब्रिक, आई पुट ऑल माई पोर बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चिड्स, आई गोट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बी, नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अब वो कहती है फरवरी आते आते लीची के पौधों के ऊपर फूल आने लगे और उसने क्या किया कि अपने जो बॉक्सेस थे उन लीची के पौधों के पास रख दिए, और उसके पास कितने आ गए, उसने अपने एक बॉक्स से उसको कितना हनी मिला, 12 किलो, 12 किलो से एक बॉक्स से इस पर हनी इकट्ठा हो गया। और उसने बाद में वो बताती है कि इस प्रकार उसने इनको बेच के अपने पैसे कमाए जो उसकी फर्स्ट अर्निंग थी। कहते वट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता 20 बॉक्सेस, उसकी कितनी थी 20 बॉक्सेस की, तो उसका देखो उसके पास थे 20 बॉक्सेस थे और उसने 20 रुपए के हिसाब से भी, तो कितने हो गए उसके पास 40,000। नेक्स्ट वो बता रहा है एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, माई कॉलेज इज इन टाउन 5 किलोमीटर अवे, वेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द पी। कहती है कि मेरा कॉलेज 5 किलोमीटर दूर था, मुझे रोज साइकिल पे जाना पड़ता था और मेरी जो मधुमक्खियाँ थी उनके पीछे से देखभाल कौन करता था, उसकी मदर करती थी, उसके सिर बनाती थी, उसके फादर भी इस काम में उसकी हेल्प करते थे, यानी कि अब उसके फादर और मदर भी उसके साथ उसकी हेल्प करने लग गए थे। अब अनीता बता रही है कि अब उसको हर कोई जानने लग गया था, कई लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहते थे लेकिन उसने किसी की भी परवाह नहीं की, वो उसका उसका ध्यान सिर्फ एक था, वो अपने ध्यान पे अपने काम पे कंसंट्रेट करती थी कि उसे कुछ करना है, और वो क्या चाहती थी, एक होलसेलर बनना चाहती थी किसमें, बी में, हनी बी में, सॉरी हनी के अंदर, ताकि जो उसके गांव के लोग हैं उनको उनके हनी का प्राइस अच्छा मिले, क्योंकि वो जितनी मेहनत करते थे उनको प्राइस कम मिलता था और बाजार में वो महंगा मिलता था। तो उसने कहा कि अगर मैं ये काम अच्छा कर लूँगी तो मैं अपने गाँव के लोगों को भी अच्छा पैसा दिलवा सकूँगी। अब अनीता आपको बताती है कि एक हनी बी में जो हनी हनी का जो छत्ता होता है, जो हनी बी का हाइव होता है, वो कैसे बनता है। तो वो कह रहा है कि एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन दैट ले एग, देयर वाज ओनली ए फ्यू मेल इन द हाइव, मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्क बीस, दीस बीस वर्क ऑल द डे, दे मेक द हाइव एंड आल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीस। अब यहाँ वो कैसे क्या बता रही है कि जो जो भी छत्ता होता है उसके अंदर एक जो होता है क्वीन रानी भी होती है जो क्या करती है अंडे देती है। इस छत्ते में मेल भी बहुत कम होते हैं और बाकी जितने भी होते हैं वो वर्कर भी होते हैं जो बहुत काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक तो शहद इकट्ठा नेक्टर इकट्ठा करते हैं फूलों से, जिससे वो क्या बनाते हैं शहद बनाते हैं, और वो एग्स का ध्यान करते हैं। मेल जो भी होते हैं उनका कोई ज़्यादा काम नहीं होता, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। अगर ये जो वर्कर भी काम ना करेंगे तो आपको शहद नहीं मिलेगा, ना उनको मिलेगा ना ही हमें मिलेगा। तो जो इसके अंदर मेन होते हैं वर्कर भी और क्वीन भी होते हैं, इस प्रकार वो अपने छत्ते का निर्माण करते हैं और वो हमें हनी देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आगे बस, विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन ग्रुप लाइक हनी बी। आपने बताना है हनी बी की तरह और कौन कौन से जो एनिमल्स हैं इंसेक्ट हैं वो उसके अंदर रहते हैं, इकट्ठे में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो जैसे आंट है, आंट भी इकट्ठी रहती है, ठीक है, इसी प्रकार हनी है, वाप्स है, ये सारे क्या रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब वो आगे आपको आंट के बारे में बताइए, आंट्स लाइक एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। कहते हैं आंट भी हनी बी की तरह क्या करती है, इकट्ठा रहती है, और उनके भी क्या होते हैं, उसके अंदर है क्वीन आंट लेडा एग्स और सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स। जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है और जो वर्कर्स आते हैं यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार टर्माइट्स एंड वाप्स आल्सो लिव लाइक दिस। इस प्रकार जो वाप्स हैं और टर्माइट्स हैं ये भी क्या है, ग्रुप में रहते हैं। आगे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव, आपने आंट्स को देखा, वो कहाँ रहती है, आंट्स किस में रहती है, मिट्टी में रहती है, तो आप लिख सकते हो इन द सॉइल। What kind of eatable attract ants? Ants को किस प्रकार की चीजें करती हैं अपनी ओर अट्रैक्ट करती, जैसे मीठा है कोई भी खाने की चीजें चीज है, और यह डेड एनिमल्स
जो होते हैं उसके ऊपर आंट इफेक्ट होती है। इसी प्रकार है, लुक एट द लाइन ऑफ द आंट्स, व्हाट इज इट्स कलर। आपने अगर आंट्स की लाइन को देखा है तो वो उसका रंग कौन सा होता है, ब्लैक होती है, ब्राउन कलर की होती है, तो रेड और ब्लैक जो भी आपने कलर की दिखी आप वो यहाँ राइट डाउन कर सकते हो। अब आपने बताना है आपको क्या कभी किसी आंट ने काटा है, किस आंट ने काटा है, तो ये आप अपनी मर्जी से बता सकते हो। काली पीली जो जो भी है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, जिस आंट ने काटा है आप उसका नाम लिख सकते हो। और आपने बताना है कि आंट की लेग्स कितनी होती है, बड़ी आंट और छोटे आंट की लेग्स कितनी होती है। आंट की लेग्स 6 ही होती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी। तो ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।